अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। और जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था पिछले व्लॉग में, तो अभी हम मायके में थे और मॉर्निंग का टाइम था ये, और अभी हम नाश्ता करने लगे थे। और ये बिरयानी, चिकन बिरयानी है और ये बाहर से मंगवाई थी। उसके बाद हम आ गए थे वापस घर। और जैसे कि हम दो दिन रुके थे, एक्चुअली मैं वहीं रुक गई थी और मेरे हस्बैंड साइड पर आ गए थे मॉर्निंग में। और शाम में जैसे ही वो वापस आने लगे थे, तो मैंने उनसे कुछ अपना सामान मंगवाया था। एक ड्रेस मंगवाई थी और एक बैंगल का सेट मंगवाया था, क्योंकि हमें वेडिंग में जाना था एक। अब वो उन्हें नहीं मिला। और ये देखें, इस तरह से वो सब कुछ फैला कर गए थे। अब मुझे ये सब कुछ दोबारा से वापस से सेट करना है। और ये मेरा बैग था जो हम लेकर गए थे, तो चलिए अब मैं इसको सेट कर लेती हूँ। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला था। पहले तो देखकर ही मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बट फिर भी मैंने थोड़ा सा टाइम लगा इसमें, मिनिमम 1 घंटा, और मैंने धीरे धीरे सफाई कर ली सारी। और जैसे ही मैंने क्लीनिंग कर ली थी और दोपहर का मैंने खाना भी बना लिया था, उसके बाद में मेरे हस्बैंड आ गए थे खाना वगैरह खा के फारिग होने के बाद। और एक ये बुक थी, और मेरे हस्बैंड जो टॉय लाए थे उसको बनाना पड़ता है। जैसे कि पज़ल को हम स्टेप बाय स्टेप जोड़ते चले जाते हैं, उसी तरह से एक टॉय बनकर रेडी हो जाता है। और वही देखें, स्टेप फॉलो करके ये जो है टॉय को इसको रेडी कर रहे हैं, दोनों बैठे हुए हैं। और बच्चे इतने खुश होते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों में, बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाती है। और वैसे ये एक जगह टिक कर नहीं बैठते हैं, और ऐसी चीज़ों के लिए हाँ आराम से, ये देखो कितने आराम से दोनों बैठ कर शांति से दोनों बैठे हुए हैं। और उसके पापा जो हैं वो टॉय उसका बना के रेडी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा खुश होता है ऐसी चीज़ों के लिए। और ये कुछ थोड़ा सा बन चुका है अभी, और ये देखें बच्चों की खुशी। उसके बाद मैंने ये देखें वीडियो शूट की थी, थोड़ा सा वीडियो मैंने बनाई थी क्लीनिंग की। और ये देखें सभी चीज़ें मैंने वापस सेट कर दी थी बेड के बॉक्स में से, या जहाँ से भी मेरे हस्बैंड ने वो चीज़ें निकाली हुई थी, सब मैंने उनकी जगह पर वापस रख दी हैं। और रूम को भी अच्छे से मैंने ये देखें क्लीन कर दिया है, और इस तरह से साफ़ सुथरा घर हो गया है बहुत ज़्यादा। और किचन भी मैंने क्लीन कर दी है, बट थोड़ा सा अभी जो है दोपहर में मैंने खाना वगैरह बनाया था, और शाम के लिए भी कुछ कुछ चीज़ें मैंने लेकर रखी थी। जैसे कि शाम में मैंने साग बनाना था, तो ये मैंने लेके रखा हुआ था। इसको भी मुझे कट करना था, इसमें भी काफ़ी सारा टाइम लग जाता है, तो इसको भी मैंने कट करके रखा था। कुछ ये मेरे बेटे के टॉयज़ रखे हुए थे, इनको भी मुझे वॉश करके रखना है अभी। एक साइड पर मैंने साग को रख दिया है पकने के लिए, और दूसरी साइड पर मैंने घी निकालने के लिए रख दिया है। और साग के साथ वैसे भी घी का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, घी के बगैर साग हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। घी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साग में, साग के साथ खाने के लिए। और साथ में मैं बनाने लगी थी मक्के की रोटी। और पहले मुझे मक्का की रोटियां बिल्कुल भी नहीं आती थी बनानी, लेकिन अभी मैंने अपने हस्बैंड के लिए सीखी हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है मक्का की रोटी। और शलजम पालक गोश्त जो बनाते हैं उसके साथ भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। उन्हें कभी भी दे दें मक्का की रोटी तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और डी मार्ट से इसलिए मैं आटा लेकर आई थी। और साग जैसे ही उसको घोटना होता है, साग को जैसे ही मैंने उसको घोटा है, तो मेरा हाथ जल गया था, इसलिए मैंने एक साइड की जो जितनी भी बैंगल हैं राइट हैंड की वो निकाल के रख दी थी, ये देखें। और मैंने ट्यूब वगैरह उस पर लगा ली थी, और काफ़ी ज़्यादा उसमें जलन हो रही थी, क्योंकि हीट के पास जाते ही और भी ज़्यादा उसमें जलन होने लग जाती है। और फिर उसके बाद में साग को घोटने के लिए मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प की थी। और जब मेरे हस्बैंड के लिए मैं मक्का की रोटियां बनाती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश होकर खाते हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद है मक्का की रोटियाँ। मैंने अपनी अम्मी से सीखी हैं,
इसीलिए उनके लिए स्पेशल, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनको जो पसंद है उनको वो चीज़ सब चीज़ें उन्हें टेस्ट कराऊँ। तो बहुत ज़्यादा वो खुशी से खाते हैं मक्का की रोटियाँ, तो इसलिए वो यहीं पर खड़े हुए थे क्योंकि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा जल रहा था। उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी और फिर थोड़ा सा मैंने कलामे पाक भी पढ़ा था। और ये वाली जहाँ नमाज, ये देखें कितनी खूबसूरत है, इसका कलर इतना ज़्यादा प्यारा है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और एक ये मेरे भैया हैं, उन्होंने मुझको गिफ्ट की है, एक जहाँ नमाज और एक कलामे पाक गिफ्ट करा है। ये देखें बहुत ही ज़्यादा प्यारा है ये भी, ये देखें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है एक छोटा सा। और ये मेरे बेटे के लिए लाए हैं वो, और उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया, मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा खुश था। ये देखें अभी भी देख रहा है वो इस कि मुझे पढ़ना है इसमें अभी, बट अभी फ़िलहाल जब से ये कलामे पाक आया है मैं इसी में पढ़ रही हूँ, मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया है ये। और माशाल्लाह ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा तोहफ़ा है, इससे ज़्यादा प्यारा खूबसूरत तोहफ़ा और कोई हो ही नहीं सकता है। और अल्लाह उनकी तमाम हाजतें कबूल करे। और वो मेरे लिए काफ़ी दूर से लेकर आए हैं, इसे कुवैत से लेकर आए हैं वो मेरे लिए दोनों चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अल्लाह उनकी सारी मुश्किलों को आसान करे। और ये देखें बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ये सब्ज़ी वाले भैया आ गए थे, मुझे इनकी आवाज़ आई थी तो मुझे लेने थे आलू। और शाम में मैंने बनाया था आलू अंडे की सब्ज़ी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और ये देखें सब्ज़ी खाना वगैरह मेरा हो गया है रेडी, और इसमें मैंने एग डाल दिए हैं। और ये इतने सारे बर्तन जो हैं वो इकट्ठा हो गए हैं, इनको मैं खाना वगैरह खाने के बाद में वॉश करूँगी। और इसमें जब तक किसी भी सब्ज़ी में बहुत सारा हरा धनिया नहीं डालो तब तक बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता सब्ज़ी में। और ये मैंने हरा धनिया भी मंगवाया था, ये उन वाले भैया के पास था नहीं सब्ज़ी वाले भैया के पास, तो मैंने बाहर से मंगवाया था, तो बारीक बारीक इसको भी कट करके मैंने डाल दिया है। और सब्ज़ी मेरी रेडी हो चुकी है, और ये देखें अंडे का शेप कुछ अजीब सा ही हो गया है। तो ये पराठे बनाए थे मैंने अपने बेटे के लिए, उसको पराठे के साथ खाना था, तो थोड़ा सा घी भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और वैसे बच्चे नहीं खाते हैं घी। और ये देखें यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो वो लेकर आए थे पीनट बटर डीमार्ट से और पिज़्ज़ा बेस और ये आटा वाले बर्गर बन, तो ये लेकर आए थे वो। पीनट बटर जो था मेरा बिल्कुल फिनिश हो चुका है, और ये भी आटा पिज़्ज़ा का बेस है, और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, मैदा वाले से अच्छा रहता है। और ये कैप्सिकम और ये टमाटो, ये इन सब, और मैं ज़्यादातर चीज़ों को वॉश करके ही रखती हूँ। और ये कंडेंस मिल्क रखा था, इंशाल्लाह एक दिन शीर खुरमा बनाऊँगी इसका मैं। और ये मेरे पास एलोवेरा जेल रखा था जिसे मैंने प्राइमर की डब्बी में रखा है, इजी हो यूज़ करना। और ये इसमें मैंने टोनर बनाया था खुद ही घर पे, बताऊँगी इंशाल्लाह किसी दिन कैसे बनाया था। और ये सब मैंने फ्रीज में रख दी थी, और उसके बाद में ये मैं इनकी एक्सपायरी डेट वगैरह चेक कर रही थी अच्छे से, तो अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम था और मैं अपने बेटे को आसानी से दे देती हूँ इसका बर्गर बना के। और ये एक जो पुराना वाला पीनट बटर का डब्बा था वो मैंने निकाल दिया है, बिल्कुल फिनिश हो गया था, थोड़ा बहुत इसमें पड़ा हुआ है। और ये देखें पिज़्ज़ा बनाया था मैंने, और चीज़ मेरे पास रखा हुआ था, तो ये मैंने पिज़्ज़ा बनाया था। जब पिज़्ज़ा आ जाते हैं तो उनकी एक टाइम लिमिट होती है, ज़्यादा दिन की एक्सपायरी उन पे नहीं होती है, तो जल्दी से ही मुझे बनाना होता है 4 से 5 दिन के अंदर। और ये देखें तो मेरे हस्बैंड ही इसको ज़्यादातर कट करते हैं। अब तो फ़िलहाल मैंने पिज़्ज़ा कटर मंगवा लिया है, बट अभी मुझे मिल नहीं रहा था, मैंने उसको कहीं पर रख दिया है तो वो भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये देखें, और बहुत ही ज़्यादा मज़े का ये बनकर रेडी हुआ था। और मुझे थोड़ा गर्म ही पसंद है, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए, थोड़ा गर्म ही अच्छा लगता है।
ये कट के रेडी हो चुका है और अब हम खाने वाले हैं इसे बैठ कर पहले, और उसके बाद में हम खाना वगैरह खाएंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, और घर पे जो पिज़्ज़ा बनाते हैं उसकी बात ही और रहती है। और ये 2 पीसेस मेरे बेटे के थे और एक एक पीस हम दोनों का था। मेरे बेटे को इतना ज़्यादा पसंद है पिज़्ज़ा, तो उसको हमने 2 पीस दिए थे और एक एक हम दोनों ने खाया था। और बर्गर को बनाने का एक ये फ़ायदा है कि बर्गर के अंदर जितनी भी हम वेजिटेबल्स ऐड करते हैं वो सभी बच्चे इजीली खा जाते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है उसके मेयोनीज और सॉसेस वगैरह के टेस्ट में। और ये आटा बर्गर है तो इसलिए और भी कोई इसमें इशू नहीं था बच्चों को खिलाने के लिए, और बहुत ज़्यादा आसानी से बच्चे सब्जियां खा लेते हैं इसमें छुपी हुई। और इसको अभी मुझे रैप करना था और इसका अट्रैक्टिव सा लंच बॉक्स रेडी हो गया था। तो अगर आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।